शोरूम से टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर फरार युवक पल्सर वाहन खरीदने के बहाने गया था युवक, बाइक लेकर भाग गया। 3,33,333 बेलपत्रों से हुआ भगवान शिव का महाभिषेक। शहर में हुई झमाझम बारिश। मुहर्रम को लेकर सजने लगे ताजिए, बनने लगे मन्नत के शेर। और मोक्षधाम पर भी हो गया कॉलोनाइजर का कब्जा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुनील बजाज शोरूम से एक नई पल्सर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सुनील बजाज शोरूम ने जारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार देर शाम लालबाग के पास स्थित सुनील बजाज के शोरूम में एक युवक ब्लैक कलर की चेक शर्ट पहनकर आया था, जो टेस्ट ड्राइव के बहाने सेल्समैन के साथ पल्सर बाइक RX 200 लेकर सिवनी रोड की तरफ गया, जहां उसने फ्लाईओवर के पास सेल्समैन को धक्का मार दिया और तेज रफ्तार से सिवनी रोड की ओर बाइक लेकर भाग गया। सुनील बजाज शोरूम संचालक की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। यहाँ पर एक कस्टमर आए थे हमारे पास, जिन्होंने मंशा जाहिर की थी कि उनको टेस्ट ड्राइव चाहिए पल्सर RS 220 की। उन्होंने मास्क सारा समय नहीं उतारा और सारा समय वो हमारे साथ, हमारे सेल्समैन के साथ रहे। सेल्समैन उन्हें जब गाड़ी दिखाने लेके गया तो उन्होंने एक अलग रूट पे बोला कि सिवनी रोड पे उनके साथ टेस्ट ड्राइव ले पाए, जहाँ थोड़ा उनका अच्छे गाड़ी चलाना मिले। तो जब गाड़ी चला के उन्होंने साइड में रोका, उन्होंने कहा कुछ गाड़ी में साउंड आ रहा है, तो वो मेरा बंदे को उन्होंने बोला सेल्समैन को चेक कर दो एक बार साउंड आप। तो मेरा बंदा जब सेल्समैन जब उतरा, उसने चेक किया तो कोई ऐसा साउंड नहीं था। उसने कहा कि चलिए मैं डीलरशिप वापस चलते हैं, आपको चेक करा देता हूँ, गाड़ी में कोई इशू नहीं है। तो जब तक वो बैठता उतनी देर में उसने बैठने नहीं दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी लेके चला गया वहाँ से। उसके बाद वो गाड़ी लेके चले गए। तो हमने हमारे एक CCTV के कैमरेज में उसकी फ़ोटोज़ जो आई हैं, जिसमें हालांकि उन्होंने मास्क पहना इसलिए पहचान नहीं हो पा रही, और जो वीडियोज़ है ये हमने सब जगह शेयर किए। कल एक घटना हुई है, लालबाग में बजाज का शोरूम है, एक व्यक्ति आया था वहाँ पे और RX 200 मोटरसाइकिल जो है पल्सर की है, वो गाड़ी देखा उसने, पसंद किया और ट्रायल के लिए लेके जा रहा था। एक अटेंडेंट जो वहीं का कर्मचारी था वो साथ में जा रहा था। इस दौरान जो है उसने उस कर्मचारी को उतार करके वो मोटरसाइकिल लेकर के भाग गया। इस पर से जो फरियादी हैं उनको हमारे द्वारा EFIR के लिए बताया गया और उसके द्वारा जो है इस मामले में EFIR दर्ज कराया गया है 379 धारा के तहत, चोरी के तहत, और इसको हम अभी एक्सेप्ट कर लेंगे। और उस मामले में जो है अज्ञात आरोपी के खिलाफ है, उसके बारे में फुटेज वगैरह मिल गए हैं हमको और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी ही जो है हम आरोपी को और मोटरसाइकिल को पकड़ लेंगे। 3,33,333 बेलपत्रों के साथ 21 शिवलिंगों का महाभिषेक पशु चिकित्सालय के प्रांगण में स्थित शिव मंदिर में किया गया। इस अवसर पर समस्त वेटनरी स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भी इस आयोजन में शामिल हुए। मंदिर के पुजारी भवनलाल मालवी ने बताया कि सावन के शुभ माह में यह अभिषेक 16 अगस्त से शुरू हुआ था, जो 24 घंटे लगातार चला। अभिषेक के बाद महाआरती और भंडारी की व्यवस्था भी समिति द्वारा की गई थी। ये सावन मास में तारीख 16 को 21 महाशिवलिंगों का 3,33,333 बेलपत्ती से अभिषेक शुरू हुआ कल से, जो रात भर चला, दिन भर चला और आज समाप्त हुआ। शहर में आज दोपहर झमाझम बारिश हुई, जिससे शहरवासियों ने राहत की सांस ली। बीते कुछ दिनों से शहर में बारिश नहीं हो रही थी, जिसके चलते मौसम के तापमान में उछाल आ गया था। लोग गर्मी और उमस से परेशान हो रहे थे। आज हुई बारिश से मौसम में कुछ ठंडक आई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ऐसे ही बारिश होने के अनुमान है। मुहर्रम का पर्व इस बार 20 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसे लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ताजिए सजाए हैं। इसी क्रम में मन्नत वाले शेर भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस बार मुहर्रम में निकलने वाले जुलूस सांकेतिक रूप से निकाला जा रहा है। बीते दिनों शांति समिति की बैठक में भी इस बात का निर्णय लिया जा चुका है। बड़ा इमामबाड़ा में ताजिया बनाने वाले मुबीन ताजदार ने बताया कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा ताजिए बनाए जाते हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनके यहाँ से उनकी मुराद पूरी होती है। छिंदवाड़ा जिले में ताजिया कौमी एकता के प्रतीक हैं। सभी धर्मों के लोग आते हैं अपनी मुरादें लेके, कौमी एकता का प्रतीक है। कितने सालों से बनाया जा रहा है आप? यह हमारी 4-5 पीढ़ी से बनाया जा रहा है। हमारे नाना नानी बनाते थे,
फिर हमारे अम्मी अब्बू ने बनाए, हमारे बड़े वाले भाई सब ने बनाए। शहर के डिमरीडाना वार्ड नंबर 3 में मोक्षधाम की जमीन पर भी कॉलोनाइजर कब्जा करके अवैध प्लॉटिंग करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर आज क्षेत्रवासी कलेक्टर के पास ज्ञापन देने पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने चर्चा में बताया कि वार्ड नंबर 3 के मोक्षधाम में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की अनुशंसा पर टीन शेड लगवाया गया था, जिसे अब अवैध रूप से कॉलोनाइजर ने तोड़ दिया है और इसमें कब्जा कर कॉलोनी काटी जा रही है। जो कि डिमरीडाना में मोक्षधाम की जमीन थी, जो कि विधायक निधि से, माननीय कमलनाथ जी के विधायक निधि से तीन से एट बनाया गया है, तो मोक्षधाम को एक कॉलोनी रिनाइजर ने जो कॉलोनी काटा है वो उसको उखाड़ के एक तरफ फेंक दिए, और हमने नगर निगम को भी इसके पहले सूचना दे दिए थे, पुलिस प्रशासन को भी दे दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि हमारी जो मोक्षधाम की ज़मीन जितनी भी है उसको मोक्षधाम के लिए रहने दें, और उसमें सेट हमारा जैसा पहले बना हुआ था वैसे के वैसे बना के दें, और कॉलोनाइजर के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। जुन्नारदेव के ग्राम छाबड़ा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर क्षेत्र की कच्ची सड़कों का दुरुस्तीकरण किया। इसके साथ ही उन्होंने जहां सड़क किनारे पानी जमा था उसकी सफाई करने के साथ ही पानी निकासी की व्यवस्था, ऊबड़ खाबड़ जगहों का समतलीकरण, घास झाड़ियों की सफाई की। इस कार्य में लगभग 60 सदस्य शामिल हुए, जिसमें ग्राम के बच्चे, स्व सहायता समूह के सदस्य, बुजुर्ग और युवा शामिल थे। हम सब मिलकर गांव में साफ सफाई और लगभग हम यहां पर 50 लोग और समूह की महिलाएं, गांव के सभी सदस्य मिलकर साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं। तो उधर भी और लोग श्रमदान कर रहे हैं क्या? हाँ, उधर भी है, पूरे लोग है ना, उधर भी है। और हमारा मार्गदर्शन के लिए रिलायंस फाउंडेशन का सबसे बड़ा योगदान रहा। हमारे ग्राम पंचायत में हर एक काम के बारे में जानकारी, हर एक समस्या के लिए जानकारी दी जाती है। इसी के साथ बुलेटिन बच्चों का एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा कॉलेज परिसर में सोख टैंक और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की नींव रखी गई। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रा इकाई अधिकारी डॉ रश्मि नागवंशी और छात्र इकाई अधिकारी डॉ SK शेंडे के मार्गदर्शन में महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉ अजवानी और वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ AK तांडेकर के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और सेविकाओं द्वारा कार्य किया गया। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव की राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र और छात्रा इकाई के द्वारा आज महाविद्यालय में सोकपिट बनाया जा रहा है। एक्चुअली पानी जितना भी आता है, वर्षा होती है, उसका पूरा का पूरा नीचे चला जाता है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का पानी नहीं रहे। इसके लिए यहाँ पर हम सोकपिट का निर्माण कर रहे हैं कि ऊपर छत से जितना भी आएगा पानी पाइप के द्वारा इन गड्ढों में जाएगा। इस तरीके से हम एक तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहे हैं। एक कमेटी की ओर से जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक व्यवस्था की जानी है, जिसका काम हमारे NSS के छात्र और छात्राएं के द्वारा किया जा रहा है। जुन्नारदेव के BJP विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर का जन्म दिवस आज श्रीराम मंदिर में पूजन पाठ करके मनाया गया। इस अवसर पर जुन्नारदेव में संकीर्तन समिति का सम्मान भी BJP नेताओं ने किया।
स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को वार्ड नंबर 29 में झंडा वंदन किया गया। ध्वजारोहण समारोह में क्षेत्र के समस्त नागरिक उपस्थित हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल मारवी द्वारा शहीदों के सम्मान में एक रैली भी निकाली गई। टोल टैक्स के पास सब्जी से भरी पिकअप वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में सवार तीनों युवक घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। समूह से हम लोग फॉलोअप बेबी फॉलोअप पर केस लेके आ रहे थे, तो टोल टैक्स के इधर में घटना हुई थी, तो यहाँ पर हमको तीन पेशेंट मिले, तो तीनों पेशेंट को हमने उठा के फिर यहाँ लेके आए हॉस्पिटल। ये एक सब्जी वाली गाड़ी थी, बड़ी वाली, उससे टकराया ये। इन लोग कहाँ से? ये बाइक से। जिले की कपड़ा बैंक ने जन सहयोग से 5,000 जोड़ी कपड़े बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों की मदद के लिए भेजे हैं। कपड़ा बैंक के अध्यक्ष हेमलता महेश भावरकर ने बताया कि ये कपड़े बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए एक सहारे का कार्य करेंगे। भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। ऐसे हालात में बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए छिंदवाड़ा जिले से कपड़ा बैंक द्वारा कपड़े भेजे गए हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के पर्व रक्षाबंधन पर कलाई में राखी बांधने का विशेष महत्व है। ऐसे में त्योहार से पहले दुकानें सजने लगी हैं। हालांकि अभी कम संख्या में ही खरीदार आ रहे हैं, भाई बहनों के अटूट संबंधों का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व के लिए राखी की दुकानें सजने लगी हैं। रंग बिरंगी आकर्षक राखियों से बाजार गुलजार बना हुआ है, बाजारों की रौनक है। बाजार में 3 रूपये से लेकर 500 रूपये तक की राखी उपलब्ध है। इसके साथ ही मांग पर विशेष राखियां भी उपलब्ध कराई जा रही है। पर्व के लिए कपड़े, ड्राई फ्रूट से लेकर गिफ्ट आइटम्स बेचने वालों की दुकानों पर भी रौनक दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।